नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। रोजाना आपको 7 बजे जो है वो क्लास मिल रही है, संडे को क्लास नहीं लगती। कल संडे अवकाश था, आज जो है वो हमारी क्लास से आगे रेगुलर है। सोमवार से शनिवार क्लास लगती है, रविवार को अवकाश रहता है, इसलिए ध्यान में रखें कि रविवार को जो है वो क्लास रहेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, खेतों में तारबंदी, फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, पानी का होज व कृषि यंत्र के लिए कृषि विभाग ने किस पोर्टल पर आवेदन शुरू कर दिए हैं। अब ये देखो कि क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे राजस्थान के अंदर कृषि टॉपिक का क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर, कृषि और कृषि के अकॉर्डिंग कृषि विभाग के द्वारा जो है वो एक पोर्टल जिस पर आवेदन शुरू किया गया है, और वो पोर्टल कौन सा है? राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल की हम पूरी चर्चा करेंगे, इसके साथ इससे जुड़े हुए तथ्य अगर हम देखें तो राज किसान साथी पोर्टल या ई मित्र केंद्र से किसान अपने जन आधार नंबर से योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी जन आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय खेत की जमाबंदी की नकल और राजस्व विभाग की ओर से जारी खेत का नक्शा होना जरूरी है। एक तो जमाबंदी की नकल होनी चाहिए, दूसरा जो है वो खेत का नक्शा होना जरूरी है, और इसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्म भर दिया जाएगा उसके बाद में मोबाइल पर क्या मिल जाएगी आपको, मैसेज से सूचना मिल जाएगी। अब लाभ क्या मिलेगा? ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कृषि और बागवानी विभाग की योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1200 घन मीटर क्षमता पौंड निर्माण पर अनुदान मिलेगा। प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पौंड पर ST और SC व सीमांत किसानों को 1.35 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। अब ध्यान दे लेना, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज किसान साथी पोर्टल से संबंधित कौन सा तथ्य सही है या कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो राजस्थान सरकार ये कह रही है कि 1200 घन मीटर क्षमता पौंड निर्माण पर अनुदान मिलेगा, और प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पौंड पर ST SC और सीमांत किसानों को 1.35 लाख रुपए का है। सामान्य श्रेणी के किसानों को फॉर्म पौंड पर 1.20 लाख रुपए का अनुदान है। लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को 1.35 के पास कम से कम 3 हेक्टेयर या संयुक्त खातेदारी की स्थिति में कम से कम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है, और नई गाइडलाइन के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को फॉर्म पौंड बनाने पर 70 के बजाय 1.20 यानी 1,20,000 रुपए का अनुदान जो है वो दिया जाएगा या मिलेगा। हम जब राजस्थान के अंदर यानी कि जब ऑफलाइन बैच चलता है, उस ऑफलाइन बैच के अंदर जो है वो योजनाएं करवाई जाती है, तब बहुत से ऐसे विद्यार्थी कहते हैं कि सर पुरानी योजनाएं कौन सी पूछी जा सकती है, क्यों नहीं पूछी जा सकती? पूछी जा सकती है, 2006 की योजना, 2009 की योजना पूछी जा सकती है। जैसे अब हम बात करते हैं इसे जुड़े हुए तथ्य की, हमारे राजस्थान के अंदर राजीव इनोवेशन कार्यक्रम और राजीव इनोवेशन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था 20 अगस्त 2021 को, 20 अगस्त 2021 को, जिसकी थीम जो है वो रखी गई थी सूचना तकनीक से सुशासन। और इसी की अगर हम देखें तो बात आती है आपके राजीव गांधी के नाम पे, और राजीव गांधी का जब नाम आएगा तो भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक, याद रखना कि भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो राजीव गांधी को कहते हैं। भारत के अंदर राजीव गांधी हमारे देश के अंदर प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी के 2 संतान राजीव गांधी और संजय गांधी की मौत के बाद में राजीव गांधी जो है वो राजनीति में आती है, और इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है राजीव गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी हत्या हुई, इंदिरा गांधी हत्या के बाद में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने भारत में टेक्नोलॉजी लाने का काम जो है वो सबसे ज्यादा किया था, टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास किया था, इसलिए भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक अगर पूछे किसे कहते हैं तो राजीव गांधी को कहते हैं। और राजीव गांधी का सपना
पूर्व राजस्थान सरकार पूरा करने की कोशिश में थी, यानी कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा जो है वो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, और जो राजीव गांधी के नाम पे था, राजीव इनोवेशन विजन, और इसी 20 अगस्त 2021 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिस पोर्टल का नाम है राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल, अब सोच लो कि राज किसान साथी पोर्टल तो कब का है, 2021 का, परिवर्तन कब हो गया 2024 में। तो योजनाएं वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, योजना में या तो नाम में परिवर्तन होगा या राशि में परिवर्तन होगा। और इसी पोर्टल के साथ साथ तीन एप्लीकेशन भी बनाई गई थी, तीन ऐप बनाई गई थी, राज किसान सुविधाएं, राज किसान सुविधा ऐप, राज किसान लोकस्ट ऐप, लोकस्ट ऐप, और राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप, राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। और ये तीनों एप्लीकेशन जो है ये भी कब बनाई गई थी, जो है 20 अगस्त 2021 को बनाई गई थी। राज किसान सुविधा ऐप, अगर प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, बिजली का गिर जाना, बिजली के तार का गिरकर आग लग जाना, किसी भी रूप में अगर किसी भी फसल की नुकसान की बात आएगी तो भरपाई दी जाएगी, मुआवजा मिलेगा, और ये मुआवजा मिलेगा राज किसान सुविधा ऐप के तहत। राज किसान लोकस्ट ऐप टिड्डी नियंत्रण के लिए बनाया गया ऐप था, और इसी के अकॉर्डिंग कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए थे राजस्थान में, 1500 कृषि यंत्र बैंक जो है वो राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं, और राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप जो है वो जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इसी राजीव इनोवेशन विजन कार्यक्रम के तहत दो बातें और भी आती है, एक आता है आपका राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी पूछे जाने वाले दोनों ही क्वेश्चन है। राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना अगर पूछे कि कहाँ की गई थी, तो राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी जयपुर में। अब जयपुर के अलावा राजस्थान के अंदर उदयपुर, बीकानेर, कोटा और आपका भरतपुर, भरतपुर और अजमेर, इन संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालयों के अकॉर्डिंग भी राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। और दूसरा आता है राजीव गांधी के नाम पे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, और राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ हुआ था, तो जोधपुर में हुआ था, और यह हमारे राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी, राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी अगर पूछे तो कौन सी है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है। और राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी केरल के बाद भारत की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो वो कौन सी है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी। और इसी के नाम पे राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ हुआ था, जो पूर्व कक्षा में मैं बता चुका हूँ कि उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, विवेकानंद जो है वो नाम रख दिया गया था। 500 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, 300 को विदेश भेजा जाता था और 200 को भारत के अंदर शिक्षा दी जाती है। तो अब ये देख लो कि इसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है राजस्थान के किस जिले में स्थित 700 साल पुराने खंबा फोर्ट में जियोलॉजिकल म्यूजियम बनेगा, फोर्ट यानी कि दुर्ग, कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दुर्ग जियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो राजस्थान के अंदर बनेगा, और ये म्यूजियम अगर पूछे कहां बनेगा तो जैसलमेर में बनेगा। खंबा फोर्ट राजस्थान के किस जिले में है, तो जैसलमेर में है, 700 साल पुराना है, जहां जियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है। जैसलमेर शहर से करीबन 35 किलोमीटर दूर है खंबा फोर्ट, और वहां जो है वो वर्तमान के अकॉर्डिंग वहां जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। खंबा फोर्ट और उसके पीछे 100 खंडर मकानों का दृश्य अद्भुत है, 84 गांव में से एक है जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों ने 18वीं शताब्दी में एक ही रात में खाली कर दिया था। पालीवाल ब्राह्मण 18वीं शताब्दी और 84 गांव जो है वो खाली करवाए गए थे, उनमें से एक आपका सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है कुलदरा, जिस पर मूवी भी बनी हुई है, शायद कच्चे धागे उसमें आ जाएगा, और एक आपका खांबा जो अभी खांबा फोर्ट है,
ऐसे गांव हैं जहां आज भी सैकड़ों मकान खंडर के रूप में मौजूद है। तो इस किले में नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा और खंबा फोर्ट पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का प्रतीक है। तो पूछा जा सकता है कि पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का प्रतीक राजस्थान का कौन सा दुर्ग फोर्ट है? खंबा। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा। अब देखो राजस्थान के अंदर जियोग्राफी के अकॉर्डिंग आता है पर्यटन, तो राजस्थान के अंदर जियोग्राफी का अपडेट डाटा ही करंट है। अब ये देखो कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5-7 मई 2024 को द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन जो है वो कहां होगा? तो इसका आयोजन होगा राजस्थान के जयपुर के अंदर। जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक, जो इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, बता दिया करो उनको भी, और रोजाना जो है वो नोटबुक में लिखा करो, मेन जो बातें वो लिख लिया करो, बाकी कोई बात नहीं। ट्रेवल बाजार में राजस्थान के पर्यटन को लेकर चर्चा की जाएगी, नई संभावनाएं तरासी जाएगी। 3 दिवसीय इस आयोजन में राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 13वें संस्करण का जो है वो आयोजन होगा। कौन सा संस्करण होगा? 13वां। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, संकल्प पब्लिकेशन श्रीगंगानगर के द्वारा जो है ये बुक आपको मार्केट में मिल रही है, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो बुक है, जो वर्तमान के अकॉर्डिंग नया अपडेट डाटा है और आए हुए पुराने जितने भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, और आपको पता है कि सीईटी का पेपर अभी होने वाला है, तो सीईटी का पूरा सिलेबस जो है वो आपको सीईटी बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजस्थान का इतिहास, कल्चर, भूगोल, वरिष्ठ अध्यापक, प्रथम प्रश्न पत्र, जिला दर्शन, पशु परिचर, ये सभी जो है वो आपको मार्केट में उपलब्ध है। और अगर कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो नए बैच जो है वो संकल्प के अंदर शुरू होने जा रहे हैं, और अगर ऑनलाइन अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप अपना मनचाहा जो कोर्स खरीदना चाहते हैं वो कोर्स खरीद सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप घर बैठे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके संकल्प से जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98-750-75-725, यानी कि संकल्प के जो नंबर हैं वो है 98-750-75-725। इस पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।